हिलना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी विद डॉक्टर अलाहाबाद। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो थी फंक्शंस के बारे में। हमने आपको ये बताया था कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। हमने ये भी बताया था कि फंक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक तो आपका लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फिर हमने आपको ये बताया था यूज़र डिफाइंड फंक्शन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके तीन स्टेप्स बताए थे, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा डेफिनेशन और तीसरा कॉलिंग। कॉलिंग के बारे में शायद हमने नहीं बताया था, बताया था, चलिए हाँ तो थोड़ा सा ही है, थोड़ा बता दिया था कि आप फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है ना। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फंक्शन को कॉल करने के लिए यू यूज द फंक्शन नेम एंड द आर्ग्यूमेंट्स, क्लियर। इतनी चीजें हमने लास्ट में बताई थी। आज हम पढ़ेंगे इसको एक्चुअली कैसे यूज किया जाएगा, उसका एग्जांपल देखेंगे, राइट। तो आज का पूरा सेशन हमारा एग्जांपल्स पे आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक फंक्शन कैसे बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हम फंक्शन के थ्रू क्या करने वाले हैं, कॉल तो नहीं आ रहा है। हम फंक्शन के थ्रू क्या करने वाले हैं, एवरेज ऑफ नंबर्स निकालते हैं। एवरेज ऑफ हम पांच नंबर का एवरेज निकालने के लिए फंक्शन लिखने वाले हैं। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। एक फंक्शन का प्रयोग करके हमें क्या करना है, पांच नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम हम लोग दे रहे हैं एवीजी, क्या नाम रख रहे हैं, एवीजी, ठीक है। इस फंक्शन को हमें क्या देना पड़ेगा, पांच नंबर्स, और पांचों किस टाइप के होने चाहिए, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर ले सकते हैं, हमने ले लिया इंटीजर टाइप का। तो हम बताएंगे कैसे, कितना हो गया, पांच हो गए। तो एवरेज एक फंक्शन है जो आपसे क्या लेगा, एक दो तीन चार और पांच इंटीजर लेगा। आर्ग्यूमेंट किसके पांच होंगे और पांचों किस टाइप के होंगे, समझ में आया, क्लियर है। और ये फंक्शन देगा क्या आपको, एवरेज। एवरेज किस टाइप का होगा, फ्लोट, तो रिटर्न टाइप इसका लिखेंगे। तो ये जो बनाया आपने ये कहलाएगा डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। ये क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। तो जहां वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहां पे इसको भी कर लीजिए, हम यहीं पे लिख देते हैं। रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। नाम क्या है, एवीजी, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और इसको हम क्या देंगे, पांच इंटीजर देंगे। पांच हो गए, ये हो गया हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन। समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, शिव समझ में आ रहा ना। चल अब आगे हम अपने प्रोग्राम में
हम पांच नंबर का अगर निकालेंगे तो वेरिएबल तो चाहिए, वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं। इंटीरियर टाइप का हमने वेरिएबल बनाया ए बी सी डी और ई, ये पांच इंटीरियर वेरिएबल हम इनपुट कराएंगे यूजर से, और ये जब हमने रिटर्न करेगा तो उसको स्टोर भी करेंगे एवरेज को किसी में। तो हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल और ले लिया फ्लोट ए बी, फ्लोट काम खत्म। अब हम लोग इनपुट वाला काम शुरू करते हैं, सीएलआर एसएलआर। पहले मैसेज दिया प्रिंटर एंटर फाइव नंबर्स, और अपने स्कैनर लगा दिया, कितने चाहिए दो तीन चार पांच, और किसमें इनपुट होगा ए में बी में सी में डी में और अच्छी है अभी तक हमने दो काम कर लिए। पहला काम तो ये किया कि हमने वेरिएबल और फ्लोट सॉरी वेरिएबल और हमारा फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। दूसरा काम हमने ये किया कि हमने इनपुट करा लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। किसको कॉल करेंगे? फंक्शन को। कैसे कॉल करेंगे? देखो एवीजी हमारा फंक्शन एवरेज कौन कैलकुलेट करेगा? एबीजी। तो हमने किसको कॉल किया? एबीजी को, ठीक है ना। और एबीजी को हम पास क्या करेंगे? पांचवें नंबर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। ये हमने पांच नंबर जो इनपुट कराए थे वो उसको पास कर दिए। किसको पास कर दिया? फंक्शन को, ठीक है ना आयुष। हमने ये जो नंबर इनपुट कराए थे किसको पास कर दिया? फंक्शन को, एवरेज फंक्शन को, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है अपना काम करेगा, और काम करने के बाद आपको कुछ देगा। क्या देगा? एवरेज। तो एवरेज जब वो हमें देगा तो हम कहीं तो स्टोर करेंगे उसको। किसमें स्टोर करेंगे? तो हमने कहा एवी बराबर एवरेज जो देगा वो किसमें स्टोर हो जाए? एवी में। इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन को आपने कॉल किया, और फिर कहीं और जरूरत होगी फिर ऐसे ही कॉल कर लेंगे। क्लियर? समझ में आया? अब क्या करें? अब हमें प्रिंट कर देना है। हमने लिखा प्रिंटर एवरेज इज परसेंट एफ ए बी गेट सी एच, और ये हमारा प्रोग्राम मेन खत्म हो गया। अब हमें फंक्शन को डिफाइन करना है। हमने पहले कहा था, कल बताया था, फंक्शन या तो मेन के पहले कर लो। तो हम यहां पे काम कर रहे हैं मेन के बाद, ठीक ना, करेक्ट। हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? फ्लोट। रिटर्न टाइप क्या है? नाम क्या था? और int x int y int z int l int m। हमने पांच वेरिएबल लिए, इसको कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? या आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स या। अब देखिए यहां से आपने भेजा और यहां उसने रिसीव किया लिया। कहां से भेजा? जब कॉल किया तो आपने भेजा,
और किसने रिसीव किया या लिया। ये जो ए भेजा ये किस में गया? दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा वाला तीसरे में, चौथा वाला चौथे में, पांचवा वाला, ठीक है ना। ये पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स आपने भेजा और ये उसने रिसीव किया लिया। समझ में आया? सूर्यवान, जो भेजा उस पैरामीटर को कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जो आपने भेजा मेन में वो क्या है? एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। और जिसमें रिसीव किया इसको कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? ये सारे एक्स वाई जेड ये सब क्या है? फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है ना, समझ आया? नाम सबका क्लियर रखो। जो पैरामीटर आपने भेजा, जो आर्ग्यूमेंट आपने भेजा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो उसने लिया, जिसमें लिया, वो आपका क्या हो गया? फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। याद रहेगा? ठीक है ना, कल पूछूंगा, भूल मत जाना। लाइव क्लास में भी पूछूंगा, आंसर देना पड़ेगा। गणेश हेलो लिख के भाग जाता है। नहीं कल थे, उसके पहले भाग गए। हाँ भाग गए थे। आप लोग को लगता है तिवारी सर ऐसे ही पे? तिवारी सर ये सब कर चुके हैं। हाँ इधर इधर ध्यान इधर। अब यहां पे फंक्शन के अंदर एक्चुअल प्रोसेसिंग होगी, वो एवरेज निकालेगा। कैसे निकालेगा? अब हमने यहां पे देखिए एक लोकल वेरिएबल बनाया INTS, किसके लिए? सम के लिए। किसके लिए भाई? एवरेज कैसे निकालते हैं? पहले जोड़ते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो आपने एस लिया जोड़ने के लिए और ए लिया या पी ले लो ये एवरेज के लिए। अब आपने कहा लिखा एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एल प्लस एम। जो नंबर उसको मिले थे सबको क्या कर दिया आपने? जोड़ दिया, ऐड कर दिया। किसमें? एस में। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? एस को पांच से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो हमने कहा पी बराबर एस बटे 5.0। पी बराबर एस बटे 5.0। तो एस जो भी आया उसको पांच से भाग दे देगा और जो एवरेज आया वो किसमें स्टोर हो गया? पी में। अब ध्यान रखिए पी को लौटाना है, पी को तो उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं रिटर्न। क्या यूज करते हैं? रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस लौटाओ। किसको? जिसने दिया था आपको क्या? एक्स वाई जेड, उसको लौटाओ, यहां पे लौटाओ। किसकी वैल्यू? पी की वैल्यू। रिटर्न पी, तो पी की वैल्यू लेके वापस चले जाओ। पी की वैल्यू लेके यहां पे आ गया, किसमें पी किसमें चला गया? समझ में आया? अब जरा देखो काम कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है ये समझो। जब आप यहां आए, कंपाइलर यहां आया तो उसको समझ में आ गया एवरेज नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, जो आपसे पांच नंबर ले रहा है और एक फ्लोट दे रहा है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। फिर यहां पे आपने पांच वेरिएबल बनाए, ए बी C,
डी और ई, एक और बना ए बी, ठीक है ना। अब जरा देखो यहां आया स्क्रीन शॉट किया आपसे पांच नंबर मांगा, सपोज आपने डाला 3, 15, 8, 23, 3, 15, 8, 23, 2 पांच नंबर हो गए। एवरेज अभी गार्बेज वैल्यू है, हमें नहीं पता क्या उसमें, ठीक है ना। अब यहां से यहां आएगा, यहां पे क्या लिखा है, फंक्शन को कॉल किया गया है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे तो यहां से कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, जहां फंक्शन के डेफिनेशन है, यहां आया। अब यहां देखिए x y z l m पांच पैरामीटर बन गए, कितने पैरामीटर बने, पांच, और ये a की वैल्यू x में आ गई, a की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू y में आ गई 15, z में क्या आ गया 8, L में क्या आ गया 23, M में क्या आ गया 2, समझ में आ रहा कैसे आया, जो यहां से लेके आया इसमें स्टोर कर दिया। अब अंदर आएगा, अंदर क्या लिखा है, S एक वेरिएबल बनेगा और P एक वेरिएबल बनेगा, ठीक है ना। अभी S में गार्बेज है, P में गार्बेज है, ठीक है ना। अब नीचे आइए, क्या लिखा है, S बराबर x प्लस y प्लस z प्लस l प्लस m, जोड़ लो 3 और 15 18, 18 और 8 26, 26 और 23 49, 49 और 2 51, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 51, सही है ना, सही जोड़ा कि नहीं हमने, ठीक है, गलत होता तो तुम लोग का नाम लगा देता। अब 51 को भाग दे किससे, 5 से, p बराबर s बटे 5, तो 51 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा 10.2, तो p की वैल्यू क्या होगी 10.2, समझ में आ रहा है। फिर नीचे क्या लिखा है, रिटर्न p, p की वैल्यू लेके वापस जाओ किसमें आ जाएगा, p की वैल्यू किसमें गई, a b में, तो ए बी में कितना हो गया 10.2, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या लिखा है देखो, एवरेज इज, तो प्रिंट करेगा एवरेज इज ए बी की वैल्यू, ए बी वैल्यू क्या है 10.2, तो प्रिंट करेगा एवरेज इज 10.2, समझ में आया कैसे काम कर रहा है। ये तरीका है आपका फंक्शन लिखने का, समझ में आया। चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और करते हैं फंक्शंस को यूज करने के लिए। क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए फंक्शन लिखना है, ठीक है ना। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, हमने एक प्रोग्राम पहले से किया हुआ है, याद करिए, किया था ना, उसी को अब हम फंक्शन के थ्रू करने वाले हैं, किसके थ्रू, फंक्शन, चलें किया जाए। अब की बार हम ये जो फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं, जिससे फायदा क्या होगा, डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक, चलें किया जाए। मैं हैश इंक्लूड नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। अब यहां पे सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, हमने कहा था ना, अब की बार हम फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं, मेन गेम पहले। तो हमारा जो फंक्शन होगा उसका नाम क्या रखते हैं, सपोज फैक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, फैक्ट,
आपकी मर्जी कुछ भी रख लो, मैंने क्या नाम रखा फैक्ट। अब इसको हम एक नंबर देंगे इंटीजर, इसको क्या देंगे एक नंबर देंगे इंटीजर, और वो उसका फैक्टर निकाल करके हमें रिजल्ट देगा, और जो रिजल्ट होगा किस टाइप का होगा लॉन्ग इंटीजर। तो हमने यहां पे निकाल रिटर्न टाइप क्या लॉन्ग, ये हो गया डिक्लेरेशन। बट हमें यहां पे डिक्लेरेशन तो करना नहीं है, हमें सीधे क्या करना है डेफिनेशन करना है। तो डेफिनेशन कैसे करना है जरा देखिए, रिटर्न टाइप लॉन्ग, नाम फैक्टोरियल या फैक्ट, और इसको हम एक पैरामीटर दे रहे हैं एक्स, इसको कितने पैरामीटर दे रहे हैं एक्स। अब इस एक्स का निकालना है हमें फैक्टोरियल, इस एक्स का क्या निकालना है फैक्टोरियल। तो एक्स का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, कब तक जाएगा तो इसके लिए हम लूप चला दें, क्या करें लूप चला दें x से लेकर के कहां तक 1 तक, या 1 से लेकर के, ये आपकी मर्जी है। पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक, ग्लास पे पानी आधा है तो कुछ लोग बोलेंगे ग्लास आधा भरा है, कुछ लोग बोलेंगे ग्लास आधा खाली है। ग्लास आधा भरा है मतलब पॉजिटिव लॉजिक, ग्लास आधा खाली है नकारात्मक सोच नेगेटिव लॉजिक। तो दोनों सही है, दोनों ही सही है। तो आपकी मर्जी, आप वन से शुरू करके कहां तक जाओ एक्स तक जाओ, या फिर एक्स से शुरू करके कहां तक जाओ, कौन सा यूज करें पॉजिटिव लॉजिक, वन से लेकर के एक्स तक जाए, चलो एक्स से लेकर वन तक जाते हैं, नेगेटिव लॉजिक से चलते हैं कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने ध्यान देखिए लूप चलाने के लिए दर्द ले लिया है आई, ठीक है लूप चलाने के लिए लिया और फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए हमने एक लॉन्ग टाइम का वेरिएबल लिया है एफ, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दी 1। क्यों कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इसलिए 1 दे रहे हैं, 0 कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करके हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए लूप चलाते हैं, फॉर आई इज इक्वल्स टू एक्स से शुरू करने वहां तक जा रहे हैं, आई की इनिशियल वैल्यू क्या स्टोर किया हमने जो यहां से मिल रहा है वो किसमें डाल दिया आई, ठीक ना। और कब तक चलेगा, जब तक आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब तक आई 1 से बड़ा या बराबर है, और हर बार आई को क्या करेंगे एक कम करना है, तो आई अगर ये 1 से शुरू करके एक्स तक जाते तो यहां पे है ना सर। अब इसके अंदर क्या करना है, जो आई की वैल्यू किस में मल्टीप्लाई करते हैं एफ में, तो हम लिखे क्या एफ बराबर एफ गुणे आई, जब इस लूप से बाहर आया तो फैक्टोरियल किसमें है एफ में है, अब इसको रिटर्न करवा दो, क्या लिखे रिटर्न एफ, एफ की वैल्यू वापस भेज दो। आप चाहो तो ये ब्रैकेट लगाओ चाहे तो मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाओ, रिटर्न समझ में आया। ये हुआ फंक्शन का डेफिनेशन, ये हमने कहा लिखा मेन के पहले, इतना समझ में आ गया, कोई ऐसा भी है जिसकी समझ में नहीं आया, बड़े लाल, बड़े लाल कौन है तुम पीछे का दे रहे तुम ही हो ना, तुम्हें समझ में आया नहीं तो कब बताओगे, तुम्हारे घर जाके पूछूंगा तब बताओगे। अब क्लियर है बड़े लाल जी, हमारा एक काम तो हो गया फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया।
अब हम दूसरी बात करते हैं मेन फंक्शन बनाते हैं वॉय मेन, और इसके अंदर हम बाकी काम करें, डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता नहीं है फंक्शन को क्योंकि पहले किया है। तो यहां पे खाली वेरिएबल्स बनाते हैं, एक चाहिए नंबर एन ले लिया और उसको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके स्टोर करने के लिए हमने लॉन्ग टाइम का वेरिएबल ले लिया एन वन, कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, ले लिया। पहला काम तो एन इनपुट करा रहे, सीएलआर हो गया। अब यहां पे हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर नंबर, एक नंबर इनपुट करा लो, और इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन, स्कैनर, वेरी गुड, परसेंट डी एम परसेंट एन। उसके बाद हमारी अच्छी हैबिट, वेरी गुड। इसके बाद इनपुट तो हो गया, फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को हाँ गणेश जी खड़े हो जाइए, कैसे कॉल करें, पिछला एग्जांपल याद करिए, हम फंक्शन को कॉल उसके नाम से करते हैं, उसका फंक्शन नाम क्या है, वो तो रिटर्न टाइप है, नाम क्या है फैक्ट, तो क्या लिखा हमने फैक्ट, किसका फैक्टोरियल निकालना है एन का, हमने पास किया एन, और ये जो रिटर्न करेगा लॉन्ग टाइप का उसको कहीं स्टोर करेंगे, किसमें स्टोर करेंगे, तो क्या लिखे हैं, बैठ जाओ, समझ आया कैसे कॉल किया, फैक्टोरियल को कॉल किया, उसको दिया क्या एन, और जो रिटर्न किया किसमें स्टोर हो गया, नहीं हो गया। अब क्या करें, इसको प्रिंट कर दें एन वन को, करिए प्रिंट एफ फैक्टोरियल इज परसेंट एल डी, क्लॉक के नंबर क्या यूज करते हैं एल डी, हाँ, और यहां पे एन वन गेट सी एच, आई एम सॉरी, इज दैट क्लियर, डन, समझ में आया, समझ में आ गया, आवाज किसकी समझ में नहीं आया पहले ये बताओ, अलग से जैसे बड़े लाल से पूछा वैसे पूछेंगे सब बताओगे, अंकिता, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसको देखेंगे, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो कारण बता के डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, जय हिंद जय भारत।